तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रिक से याद करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों को। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा फिट हो जाएगा कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, यह मेरा दावा है दोस्तों। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा नोबेल पुरस्कार के बारे में। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपके वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1901 को। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 दिसंबर 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये कहाँ दिए जाते हैं? ये दिया जाते हैं स्टॉकहोम में, स्वीडन में दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और दोस्तों, ये अल्फ्रेड नोबल की याद में हर साल दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। दोस्तों, पहले नोबल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र देख लेते हैं दोस्तों। पहला चिकित्सा, दूसरा भौतिक, तीसरा रसायन, चौथा शांति और पांचवा साहित्य। लेकिन सन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा दोस्तों। अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इतना आप सभी को याद रखना है, इतना आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इतना आप सभी को याद रखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, वे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम अपने ट्रिक को देख लेते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों आपके सामने, तो दोस्तों ट्रिक है ये, देखिए ट्रिक आपके सामने आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ट्रिक है दोस्तों, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। क्या ट्रिक है? रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। एक रवि सर है, उनसे बच्चे कह रहे हैं रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। तो चलिए देख लेते हैं इनसे किस प्रकार से ट्रिक अटैच करती है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों, ये देखिए ट्रिक किस प्रकार अटैच करती है, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, रवि से क्या आ रहा है, रवि से क्या हुआ निकल लिया, रवि से निकल लिया रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें किस प्रकार दिया गया था नोबेल पुरस्कार? साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। फिर है सर, सर से क्या वर्ष निकल लिया है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। जी हाँ फ्रेंड्स, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह पुरस्कार दिया गया था, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। और कब दिया गया था ये देख सकते हैं दोस्तों, ये दिया गया था 1930 में, 1930 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? रमन रमन स्पेक्ट्रम की खोज के लिए, रमन स्पेक्ट्रम की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा है रवि सर हमारे सुबह, तो है से हमारे से क्या आ रहा है दोस्तों, सुबह है आ रहा है ना, तो है से हो गया हर गोविंद खुराना। जी हाँ फ्रेंड, हर गोविंद खुराना। और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1968 में, 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था इन्हें नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दोस्तों। आगे है मारे, मारे हमारे में है तो हो गया, फिर है मारे, मारे है ना, तो मदर टेरेसा, मारे से मदर टेरेसा। और इन्हें 1979 में यह पुरस्कार दिया गया था, यह पुरस्कार दिया गया था समाज सेवी संबंधी कार्यों के लिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था सन 1979 के लिए, किसे? मदर टेरेसा को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो सुबह से हो जाएगा दोस्तों हमारा, सुबह से क्या है, सुबह से हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और इनको मिला था सर 1983 में नोबेल पुरस्कार, 1983 में दोस्तों। इन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट आम, रवि सर हमारे सुबह हो गया ना, तो है आम ना दिखे, तो आम से क्या हो गया, अमर्त्य सेन, क्या हो गया, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें किस लिए मिला था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी
अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों आम नाभिके, तो ना से क्या हो जाएगा, ना से है वीएस नायपाल, क्या दोस्तों, ना से है वीएस नायपाल, और इन्हें सन 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सन 2001 में साहित्य के लिए। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहा हूं उसको भी आपको याद करते चलना है, आपको सिर्फ ये जो लिखा हुआ है इसको याद नहीं करना है, जो मैं साथ के साथ बता रहा हूं इसको भी याद करना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है नाभिके, तो बी से क्या है दोस्तों, वेंकट रमन, बी से है वेंकट रमन रामकृष्ण, वेंकट रमन रामकृष्ण। दोस्तों भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉम्स ई स्टेज और इजराइल की अदा ई योनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने के लिए राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान की नोबेल पुरस्कार मिला, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला सन 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को, इतना आप सभी को याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा के ना बिके, बी तो हो गया और फिर आ गया के से क्या है, कैलाश सत्यार्थी, क्या है कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं थोड़ा ऊपर और कर देता हूं, तो नीचे क्या है कैलाश सत्यार्थी, इन्हें मिला था सन 2014 में, सन 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, सन 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जई के साथ इन्हें मिला था यह, और इन्हें किस लिए मिला था, ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें, शांति के लिए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया, एक बार भी इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया था। दोस्तों इतना आप सभी को याद रखना है, जो गांधी जी से उनके लिए 5 बार घोषणा हुई थी नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन उन्हें एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया था। दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी के साथ इस नोबेल पुरस्कार को बिल्कुल याद करा दिया है, अगर आपको अब भी कुछ लगता है कि इसमें कुछ कमी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आपने ये नहीं बताया। दोस्तों मैं आपको पूरी पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं, अगर अभी तक आप इस चैनल को हिस्सा नहीं बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा बन जाएं, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है और आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसी वीडियो हम अपलोड कर देते हैं ताकि आप उन्हें जिंदगी भर ना भूल पाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी कुछ इस वीडियो का फायदा ले सकें। तो दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर किसी को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसके व्हाट्सएप पर इस वीडियो की पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और खतरनाक वीडियो के साथ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।